मैं वैद्य अवधेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैद्य वर्मा आयुर्वेदिक उपचार में। मैं परंपरागत रूप से वैद्य हूं और मैं आयुर्वेद में संलग्न हूं। मैंने आयुर्वेद का गहन अध्ययन प्रयोगों और हजारों रोगियों पर आजमाए नुस्खों का लाभ आपको प्राप्त हो, यही मेरा प्रयास है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिस्टीरिया का आयुर्वेदिक उपचार। यह एक बात व्याधि है जो बाद संस्थानिक क्रिया में विकार उत्पन्न होने से प्रकट होता है। यह रोग अधिकतर स्त्रियों को होता है, लेकिन इस रोग से पुरुष भी ग्रसित होते हैं। लक्षण, यह रोग या वेग आवेग पूर्वक होता है। किसी को कुछ मिनट, किसी को कुछ घंटे और किसी को एक दो दिन तक रहता है। अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं तो आप हमारे द्वारा बताए गए आयुर्वेदिक घरेलू उपाय करें, आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। औषधि, गांजा लेना है आपको 1 तोला, भीमसेनी कपूर लेना है 1 तोला, बच लेना है आपको 1 तोला, जटामासी लेना है आपको 2 तोला, प्रासानी अजवाइन 2 तोला और केसर मत 3 ग्राम। सबको मिलाकर कूट लें और कपड़ा से छान लें, फिर 6 घंटे तक अदरक के रस में खरल करें और चने के बराबर गोली बना लें। मात्रा, 1-1 गोली पानी के साथ दिन में 2 बार लेना है। इस बटी का सेवन करने से हिस्टीरिया मात्र 28 दिन में ही दूर हो जाता है। यह बटी मस्तिष्क को शांत तथा निकम्बे विचारों को दूर करती है और पुरुषार्थ देती है और पाचन क्रिया सुधारती है। आप गांधी की इमेज देख पा रहे होंगे, ये आपको भीमसेनी कपूर देख पा रहे हो, आपको बच लेना है। जटामासी की इमेज है, ये आप देख पा रहे हो, परासानी अजवाइन लेना है आपको और केसर आपको लेना है 3 ग्राम। परहेज, बादी वाले पदार्थ तथा शोक एवं क्रोध और अधिक रात्रि जागरण। सभी प्रकार के तमाकू युक्त पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि सर्व पूर्णतः वर्जित है। पथ्य में मूंग की नरम खिचड़ी, चपाती, कद्दू, पालक, टिंडा आदि। फलों में अनार, अमरूद, सेब, अंगूर आदि। नोट, यदि आप चाहें तो हमारी आयुर्वेदिक ओरिजिनल पद्धति से निर्मित दवाएं डाक से भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी संपूर्ण समस्या का विवरण लिखकर ईमेल करें। ईमेल आईडी vaidvarmaayurvedicupchar@gmail.com या आप फोन से भी संपर्क कर सकते हो। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगता है तो वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।